आज दिल्ली के अंदर जो मंदिरों में घरों में जो रविदास जी की भगवान रविदास महर्षि वाल्मीकि या दूसरे जन दलितों के भगवानों को नहीं मानते, उन्होंने इसी कड़ी से जोड़ते हुए अपने मंदिरों से अपने घरों से जो दूसरे जन भगवान तथाकथित भगवान हैं उनकी तस्वीरों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। उन्होंने हमारा मंदिर ढहाया है, हम इनके मंदिर को भी ढहाएंगे। हम इनकी तस्वीरें जो हैं 36,000 देवता 33 करोड़ जो हैं जी, हम इनका बहिष्कार कर रहे हैं। मुस्लिम समाज जो है रविदास मंदिर के साथ है जी। जहाँ तक हमारे बच्चे बंद है हम जान की बाजी लगाएंगे, इनके मंदिर में हम जाएंगे, इनका माथा टेकेंगे, राम राम करेंगे, बस को यहाँ पर मूर्ति निकालने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से तुगलकाबाद में दिल्ली के अंदर गुरु रविदास जी के मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई और उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई है, उस तरीके से उससे आक्रोशित होकर हमारे समाज के लोगों ने इनके 33 करोड़ देवी देवताओं को संवैधानिक तरीके से घर बाहर का रास्ता दिखाया। जब ये हमारे महापुरुषों का और हमारे संतों का सम्मान नहीं कर सकते तो हमें भी इनके देवी देवताओं की ज़रूरत नहीं है। जब किसी भी मंदिर में हमारे इष्ट देव संत श्रोमणी रविदास महाराज की प्रतिमा नहीं है तो हमने संकल्प किया है कि हम अपने मंदिर में अपने स्थान में इन देवताओं को जगह ना दें। भगवान का जी अपमान करते हैं, इनके देवी देवता का हनुमान हो कोई भी हो कोई भी देवी देवता हो, अपने से हम दूसरे की कोई थामना नहीं करेंगे। हमारे को बाहर निकाल रहे हैं तो इनके क्या लगते हैं, हमारे कुछ नहीं लगते, हमारा गुरु रविदास ही है जो कोई। उन्होंने हमारा मंदिर ढहाया है, हम इनके मंदिर को भी ढहाएंगे। हम इनकी तस्वीरें जो हैं 36,000 देवता 33 करोड़ जो हैं जी, हम इनका बहिष्कार कर रहे हैं। हम इनकी पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम अपने कुल रविदास जी की पूजा करेंगे और किसी की पूजा नहीं करेंगे भाई। और जो हमारे बच्चे बंद करे गए हैं हम उनको जेल से छुटवाएंगे और संघर्ष करेंगे पूरा। रविदास मंदिर तोड़ा गया है और हमारे पूर्वजों का अपमान किया गया है तो हमें भी कोई अधिकार नहीं है। हम इनके 36 करोड़ देवी देवताओं का भी बहिष्कार करते हैं और ये मूर्तियां अपने घर से अपने मंदिर से बाहर कर रहे हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने मंदिर को बनवाने के लिए हर तरह से स्ट्रगल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, सब लोगों को संघर्ष के लिए तैयार करेंगे। और जो हमारे से जिंदाबाद बाबा साहेब, जिंदाबाद संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, अमर रहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, अमर रहे बाबा साहेब, अमर रहे बाबा साहेब, अमर रहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, अमर रहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, बाबा साहेब, अमर रहे बाबा साहेब, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। देखो जी ये जो देवी देवता है इनके, हम इनको बड़े मान सम्मान के साथ में इनको सौंप रहे हैं और ये लोग जो हैं जिनके ये देवी देवता हैं वे आकर के इनको ले जाए। भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहेब, अमर रहे बाबा साहेब, अमर रहे शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, जय हो शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, जय हो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। से इस तानाशाही सरकार ने जिस तरीके से हमारे 95 लड़कों को जेल में डाला है जबरदस्ती अपना तानाशाही गिरी करके, इस तरीके से गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है और हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, ना बहुजन समाज बर्दाश्त करेगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज नेशनल भीम आर्मी और बहुजन समाज मिलकर इन सारे देवी देवताओं को घरों में से संवैधानिक तरीके से निकालकर इन्हें सौंप रहा है, क्योंकि हमारे नहीं है ये, उन लोगों के है। अगर हमारे महापुरुषों के मंदिरों को जरा से भी ठेस पहुंची और एक भी ईंट अगर उखड़ी तो पूरे देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सारे देवी देवताओं को इस देश से विदेश में भेज देंगे इन ब्राह्मण विदेशी ब्राह्मणों के साथ। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तो एक शुरुआत है और देश के अंदर कई राज्यों में कई जिलों में ये निकलने का काम शुरू हो गया। अगर हमारे 95 लड़कों को नहीं छोड़ा गया इस देश इन जेलों में से तो ध्यान रखना पूरे देश में से एक भी देवी देवता एक घर में नहीं रहेगा। मंदिर में हम जाएंगे, माथा टेकेंगे, राम राम करेंगे,
बस अपना जय भीम जय भीम जय गुरु रविदास जी की जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम बाबा साहेब अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय है कि हम इनकी पूजा नहीं करेंगे और जो हमारे गुरु रविदास है उसकी पूजा करेंगे और जो देर ना हमारे बच्चे हैं हम वो छुटाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमारे बच्चे बंद है हम जान की बाजी लगाएंगे और छुटाएंगे छोड़ देंगे नहीं। हम अपने बच्चे बचाने हैं और अपने रविदास मंदिर के सामने हम अपनी जान बिछाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। किस तारीख को दिल्ली के अंदर 600 साल पुराना रविदास मंदिर जो मनुवादी सरकार यानी जिसका दूसरा नाम है बीजेपी जो उसने जो है ना तोड़ा है जिस मंदिर को जो कि जगह को महाराजा सिकंदर लोधी ने 600 साल पूर्व रविदास जी को जो है भेंट किया था क्योंकि रविदास जी वहाँ एक रात के लिए ठहरे थे और सिकंदर लोधी उनसे प्रभावित होकर उन्होंने उस मंदिर को बनवाया था। लेकिन 600 साल के बाद इस मनुवादी सरकार ने उस मंदिर को डीडीए का हवाला देकर कि ये डीडीए की ज़मीन है उसको तुड़वा दिया गया जिससे हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों दलितों की या इंसाफ पसंद लोगों की आस्था पर ठेस पहुंची है। ठीक दूसरी तरफ राम मंदिर के नाम पर जो 1992 से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है केस चल रहा है उसका फैसला आज तक नहीं हुआ जबकि रविदास मंदिर के आसपास या दिल्ली में दूसरी जगह पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरी जगह अवैध रूप से अधिग्रहण करके उस ज़मीन पर जाना मंदिर बनाए गए हैं उन मंदिरों पर इस मनुवादी सरकार की नज़र नहीं पड़ी। लेकिन रविदास मंदिर को तोड़कर इन दलितों की आस्था पर जाना ठेस पहुंची है जिसके लिए दूसरे देशों में भी विदेशों में इस बात को लेकर मंदिर को तोड़ने पर लेकर बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं और आवाज़ उठाई जा रही है। 2-3 दिन पहले अमेरिका के अंदर वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी रविदास मंदिर को तोड़े जाने पर अपना एक वक्तव्य दिया है। साथियों देश में बड़े बड़े आंदोलन होते हैं बड़ी बड़ी जो है ना समस्याओं का हल होता है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के अंदर अपने मंत्रियों को ये कहा है जबकि जो है दिल्ली के अंदर कई मंत्रियों ने कहा कि उस रविदास मंदिर को हम बनवाएंगे और उसको बनवाने के लिए काम करेंगे लेकिन नरेंद्र मोदी ने ठीक पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे वादा मत करो कि जो पूरा ना हो सके और उसने जो है ठीक ही कहा है क्योंकि वो दलितों के खिलाफ है। इस देश के अंदर जो है दलितों के खिलाफ मनुवादी ताकतें जिस तरीके से आज हावी हैं इससे पहले किसी भी सरकार ने इस तरह की हरकत इन दलितों के लिए नहीं की है। साथियों 21 तारीख को जो एक आंदोलन हुआ जिसमें करोड़ों लोग पूरे देश से इकट्ठा हुए रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए वहाँ से इकट्ठा होकर वह तुगलकाबाद जहाँ पर रविदास मंदिर को गिराया गया है वहाँ पर जो है शांतिपूर्वक रूप से अपने आंदोलन कर रहे थे अपनी आवाज़ उठा रहे थे। मनुवादी सरकार ने मनुवादी ताकतों ने अपने कुछ सिरफिरे लोगों को अराजक तत्वों को वहाँ पर उनके अंदर घुसाया गया और वहाँ पर तोड़फोड़ कराई गई और जिससे जो है ना दलितों के बीच में नेतृत्वकारी लोग जिसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर और उनके साथियों को छान में लोगों को जेल के अंदर भेज दिया गया जिनको 3 तारीख को 14 दिन हो जाएंगे और जो है उन पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिससे कि जो है ना नॉन अवेलेबल जो है ना धाराएं लगाई गई हैं जिसमें जमानतें जो है नॉन अवेलेबल हैं और जो है ना वो सेशन ट्रायल से जो है ना बेल हो सकती है। साथियों इतना अन्याय करना इन दलितों के लिए गैर इंसाफी है और इस देश के अंदर दिखाया जाता है कि चाहे इस देश के अंदर दलित हो चाहे मुस्लिम हो चाहे बैकवर्ड हो सभी के लिए इस मनुवादी ताकतों की जो है ये
सोच है कि इस देश के अंदर जो है मनुवादी ताकत जो है ना किसी भी चाहे वो दलित को चाहे मुसलमानों को चाहे बैकवर्ड्स को 85% लोगों के ऊपर हमला करने पर आमादा है। आज देश के लोग उसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर देश के अंदर आंदोलन करना चाहते हैं। इसी कड़ी से जोड़ते हुए आज दिल्ली के अंदर जो मंदिरों में घरों में जो भगवान रविदास महर्षि वाल्मीकि या दूसरे जना दलितों के भगवानों को नहीं मानते, उन्होंने इसी कड़ी से जोड़ते हुए अपने मंदिरों से अपने घरों से जो दूसरे जना भगवान तथाकथित भगवान हैं उनकी तस्वीरों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है और वो अपने घर से जो है ना उनको निकाल दिया गया है और वो कभी भी अपने मंदिर और या घरों के अंदर जो है ना उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और न करना चाहिए। इसी बात के लिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और जो है मैं लोगों से अपील करता हूँ कभी भी जो है गलत तरीके की आस्था पैदा करके अपने अंदर पैदा करके और जो है ऐसी निष्ठा ना पैदा करें कि हमारे आने वाली जो है पीढ़ी जो है वो किसी की गुलामी सहन करे और गुलामी मानसिकता की जाना गुलाम बन जाए, उसके लिए हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद। मुस्लिम समाज जो है रविदास मंदिर के साथ है जी, जहाँ ये चलेंगे वहाँ इनके साथ साथ रहेंगे, कंधे से कंधे चला गए। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम जो है अपने सभी आडंबर छोड़कर अपने गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार हुए हैं। यहाँ सब भाई इकट्ठे हुए हैं और समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ से जो है सभी मूर्तियों का अपने गुरु के अलावा बहिष्कार करें और समाज का उत्थान करें और एक साथ मिलकर एक साथ रहने की कसम खाएं। जो 95 लड़के हमारी जेल में भेजे हुए हैं बेगुनाह लड़के, जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने महापुरुषों की धरोहर की लड़ाई लड़ रहे थे, अगर उन्हें जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया तो आज तो नरेला सा उतरी है पूरे देश के अंदर से, किसी भी मंदिर में और किसी भी घर में ये देवी देवताओं की तस्वीर नहीं रहेगी। और अगर हमारे 95 लड़के नहीं छोड़े गए इस तानाशाही सरकार ने तो हम अपनी जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे, लेकिन हम अपने बहुजन समाज की धरोहरों को जरा से भी क्षति नहीं पहुँचने देंगे। ये हमारे बहुजन समाज की एक आवाज़ है और हमें मुस्लिम समाज का भी पूरा सहयोग मिला है। हमारी बहन बेटियां अब झांसी की रानी की तरह घर से निकलकर अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। और मेरा सभी से एक मैसेज है, एक निवेदन है कि कोई भी इन तथाकथित जितने भी देवी देवता पर्ची वाले देवी देवता, इनकी पूजा ना करके अडंबर ना करके बाबा साहब के बनाए हुए सिद्धांत और गुरु रविदास जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों का भविष्य आप ही तय करोगी। क्योंकि जो औरत होती है, हमारी माता बहनें होती है, वे घर की मुखिया होती है। अगर वे शिक्षा बाबा साहब की या गुरु रविदास जी के बच्चों को दोगी तो जब ही जाके वह अम्बेडकरवादी और रविदास ही बनेंगे, वरना वही ब्राह्मणवाद में फंसे रहो, आप डालोगे और वो निकालेंगे आपके सर्वनाश के लिए। अब उन्होंने शुरू कर दिया है, आज धरोहरों को डाले हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे घरों में से हमारी इज्जतों को खींचा जाएगा। तो जागो, उठो और चलो और आगे दौड़ो। जय भीम, जय गुरु रविदास जी के, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।